नमस्कार दोस्तों, हम आज है राज बिद्री वर्क्स बीदर के अंदर। बीदर के एक फेमस आर्ट कल्चर है यहाँ पर। यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे हम उसके बारे में देखेंगे। हमारे साथ है राज सर, वो पूरा डिटेल बताएंगे वो प्रोडक्ट कैसा प्रोड्यूस करते हैं उनके। नमस्ते सर। नमस्ते। आप क्या आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताएंगे? मेरा नाम राजकुमार नागेश्वर है। ये हमारे कौन से ये बिजली काम चला रहा है, ये मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा फोर्थ जनरेशन है। फोर्थ जनरेशन मतलब हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी उस जमाने से चला रहा है काम। एक्चुअल जो मेटल रहता है जिंक एंड कॉपर रहेगा। जिंक कॉपर, हाँ। बेस मेटल जो ये मेटल रहता है जिंक एंड कॉपर रहेगा। इसके ऊपर हाथ से डिजाइनिंग करके इंजीनियरिंग कार्विंग करने के बाद ये प्योर चांदी का वायर रहेगा। चांदी का वायर, हाँ। ये प्योर सिल्वर का वायर रहेगा। इसको रख के इसको एक एक तार इसको ठोकना पड़ेगा। ठोक के इसको पूरा फिनिशिंग करने के बाद, पूरा उसको पॉलिश करने के बाद, इसकी जो ब्लैक कलर होता है एक तरह, तो सिर्फ एक बीदर के फोर्ट जो है, बीदर का जो फोर्ट है, तो फोर्ट में इसका एक मड मिलता है। सिर्फ फोर्ट के अंदर ही, फोर्ट के अंदर ही इनसाइड में मिलेगा। तो फोर्ट के अंदर ही मिलेगा वो मड स्पेशली, इसलिए इसको GI का नाम टैग मिला है। GI टैग मिला है, मतलब पुरातत्व इलाके से अपने को GI 20, मतलब ये दुनिया में काम ही नहीं है, सिर्फ बीदर में ये बिदरी काम बनता है। इसका स्पेशली एक मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड में अगर इसको गया तो इसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। मतलब GI बोले तो इसका एक जोग्राफिकल इंडिकेशन के जैसा, तो इसलिए इसको पुरातत्व का हिसाब से बिदर का ही मूल इसका काम है बल्कि इसको जानकारी दिया गया है। उसके बाद इसको फोर्ट का मट्टी लाने के बाद इसको मट्टी को जो है बॉईल करके इसके अंदर डाल के इसकी जब चेक कर देंगे ना, जितना मेटल है वो काला हो जाएगा, जितना चांदी है एडिटिव नेचुरल रहेगा। इसके ऊपर इसको पूरा फिनिशिंग करके पॉलिश करने के बाद जिस तरह रेडी आइटम अपने जो शॉप में जो डिस्प्ले किया है हमने, उस तरह इसलिए डिस्प्ले करके इसको ये भेजा जाता है। भाई आपका नाम क्या है दोनों का? मेरा नाम तौफीक, उनका नाम अतीक। तौफीक एंड अतीक भाई, क्या आप बता सकते हैं बिदरी वर्क का मोल्डिंग करते क्या? हम मोल्डिंग का बता सकते हैं सर। हाँ, मोल्डिंग का वर्क बता सकते हैं। ये मेटल है, जिंक मेटल। हाँ, जिंक मेटल है। जिंक और कॉपर मिक्स है इसमें। हाँ, देखिए जी, जिंक रहता है, सीरम कॉपर रहता। हाँ हाँ, ये मोल्ड हो रहा। जिंक एंड कॉपर दोनों मिक्स है, यहाँ पर मोल्डिंग का काम चालू है। वापस डाल लो उसके अंदर, वापस जितना लगता उसको तो ले लेते वापस ले लो। हाँ, उसे क्या शेप मिलता क्या? जाके है ना अंदर घूम जाता है ना, जितना गैप हो तो उसमें गैप में हमारा जिंक जाके घूम जाता है, जितना काला होता है घुस जाता है। ठीक है, वो मट्टी कुछ तो भी स्पेशल है करते ना? हाँ, स्पेशल है। ये मोल्डिंग अलग रहता है, कलर का अलग रहता है, फूड का रहता है, फूड है ना, खिला के अंदर ही मिलेगा ये। ये नहीं, ये मोल्डिंग का, ये रंगोली है। लेकिन वहाँ पर तो पूरा अलग दिख रहा ना, ए शेप वाले प्रोडक्ट के दिख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा ना भाई भाई साहब का? ये चंबू है लाए थे ना। हाँ, इसके ऊपर ही, इसके ऊपर ये बनता है, चांदी लगा है, मेटल ब्लैक हो जाता है, चांदी वाइट हो जाता है। हाँ, मेटल ब्लैक, चांदी व्हाइट हो जाता है हीट करने के बाद। अरे रे रे रे, पिनस्टन है ये, पिनस्टन। हाँ, ऑफिस लेवल में पिनस्टन रहता ना ऑफिस। हाँ हाँ हाँ, वो फ्लावर जो फ्लावर वो पेन रखने के बाद फ्रेम है, वो फूड फ्लावर्स हर चीज रहता है इसमें।
कौन सा भी शेप बना सकते हैं यहाँ पर, और मॉडल से लेकिन मास्टरपीस रहना। हाँ, ऐसा नहीं रहता मास्टरपीस में, उसके लिए सुलूक होना पड़ेगा। आप दोनों कितने दिन से काम करते हैं सर? काम कर रहे हैं देखो 15-20 साल से। पिताजी के पिताजी करते थे। कैसा लगता काम करके आपको? आप कर रहे हैं तो क्या है, पहले अच्छा दिखता था, अब क्या है ये नहीं है। अब कोई भी अभी ये काम से क्या है, थोड़ा कारोबार नहीं रहा, काम नहीं रहा थोड़ा बहुत, तू तो रोज रहता तो अच्छा है, हमारे लिए तो अच्छा है, अभी तक तो करे, अब हमारे बच्चे नहीं करेंगे इसमें, ऐसा है ना, इतना हार्ड काम है, बहुत हार्ड काम है। आजकल के काम हो रहे हैं, आजकल नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, ये हम जो कर रहे हैं हमारे पास ज्यादा है इसमें मेहनत है, पैसा कम आता है, पैसा कम आता है, मेहनत ज्यादा, काम अच्छा नहीं है, जितना भी करो काम अच्छा। मड को हीट करने के बाद सर, मड को हीट करने के बाद मड काला हो जाएगा और metal, जो चा... metal काला हो metal जाएगा, चांदी या नेचुरल इसका जो रियल कलर रहेगा वो रहेगा। अब वो मड के अंदर आप हीट करेंगे इसे, मड को मिला के पानी डाल के मड को बॉईल करेंगे। हाँ, बॉल में डाल के मड को बॉईल करेंगे। हाँ, मड बॉईल होते रहेगा, उसके अंदर ये आइटम डालेंगे ना। हाँ, जितना मेटल है वो काला हो जाएगा, जितना चांदी है आदमी नेचुरल रहेगा, नेचुरल। उसके बाद उसको वॉश वगैरह करके उसको पॉलिश करने के बाद जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ना, वो जो वीडियो में देख रहे हैं, उस तरह शाइन हो जाएगा। और ये आइटम ऐसा है कि खराब होने की चांस ये नहीं है, ये आप एक बार आप लेंगे तो ये बरसों तक चलते रहेगा। आपका बेटा तनिल्ला सब ये परंपरा का आइटम रहेगा, इसका जो वैल्यू रहा अभी जो है 3000 का वैल्यू रहा, तो इसके 10 साल के बाद इसको करीबन इसका डबल रेट मिलेगा, डबल रेट। हाँ, क्योंकि चांदी की आइटम नहीं है, चांदी का है। हाँ, चांदी की इसका इसमें जो है ना, जो पुराने ज़माने में जो हुक्का और सुरई उगलदान वगैरह बनता था ना, पहले सोने चांदी की नक्शेकारी होती थी, अभी सिर्फ चांदी पे रह गया है इसका काम। इसका वैल्यू ज़्यादा रहने से इसको बहुत इंटरनेशनल मार्केट इसका बहुत वैल्यू है। हाँ, कि इसका जीआई होने के बाद तो और इसका वैल्यू और थोड़ा बढ़ गया है। इसको कौन सा मूर्तियाँ बनाते हैं सर यहाँ पर? ज़्यादातर बसवेश्वर जो अपना रीजन वाइज है, रीजन का बसवेश्वर का चलेगा ज़्यादातर, उसके बाद गणेश जी का चलेगा, गणेश जी का यहाँ पर देखने, उसके बाद शंकर, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, पुराने जो आइटम्स है सुरई वगैरह मरकाम वगैरह, ज़्यादातर ये आइटम चलेगा इसमें। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये काम आपके जनरेशन के बाद कौन करेगा सर? आप बोल रहे ना 4 जनरेशन से ये काम करते आ रहे हैं, आपका जनरेशन होने के बाद ये काम क्या एक्सटेंड होने वाला है क्या, कोई तो भी करेगा? इसमें ज़्यादा मार्किंग में रहने से इसका एक्सटेंड होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि हमारे बच्चे करें, क्योंकि इसमें जितना बारीकी से काम करने का तो ये है, इसमें जैसे आइस आँखों का होंगे या शारीरिक होंगे, इसका 50 साल 30 साल के बाद 40 साल के बाद उसको फिजिकल थोड़ा ये कमजोरी पन आता है, इसके बाद 60 साल इतना मैं अब 40 साल से काम कर रहा हूँ, 60 साल होने के बाद इसमें हमको कोई गवर्नमेंट से क्या इससे कुछ भी आपको अपने को स्टेपेंड होते या जो प्राइस बनी थोड़ा तो कुछ तो जैसा आम पास जो कल्चरल लोगों को मिलता है मास्क शासन के वैसा कुछ इसमें हमारी बिद्री को देखने को नाम तो बड़ा है, बिद्री वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस जी आई टैग भी है इसको, हर चीज़ है, बट ये कारीगर अपना हाथ पैर चलने तक काम कर सकता है, उसके बाद इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको आगे जनरेशन को अगर इसको इंक्रेज करना है तो इसको आगे 60 साल के होने के बाद या उसको इंक्रेज गवर्नमेंट से इंक्रेजिंग मिलना चाहिए, तो उसको कुछ है नाम है नहीं बोलते नहीं वर्ल्ड फेमस दूसरे वर्ल्ड से इंटरनेशनल मार्केट है इसका अच्छा ये है, बट इसको इतना बारीकी से काम कर रहे हैं उनको जो प्राइस जो डेली वेजेस का जो काम मेहनत मिलता है उसका बहुत कम है, क्योंकि आज की जो महंगाई के हिसाब से उसको ये सारा दिन में करने के बाद 300-400 तो इस हिसाब से सर ये नहीं होगा, आपके बोलने के हिसाब से तो ये एक्सटेंड होने वाला काम है बोले जैसा हो सकता है। नहीं एक्सटेंड तो नहीं होगा, क्योंकि हम खुद हमारे बच्चों को नहीं चाहते कि हम ये काम उसमें इन्वॉल्व करें,
इसलिए मैं ये क्योंकि इसका रीज़न भी बता रहा हूँ मैं यार। सर आपका कॉम्पिटिटर भी कॉम्पिटर, ये तो सभी गिफ्ट्स दिख रहे हैं सर। हाँ आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर क्या हो सकता है सर? सभी चाइनीज माल और जो भी प्लास्टिक माल है ना वो तो आजकल तो वो तो उसका वैल्यू पता है। हर किसी को चाइनीज बोलो तो उसका नाम ही चाइनीज बोलते क्या है उसका नाम। हर कॉमन आदमी को भी पता चलता है ये तो एक आर्ट वर्क है, ये पूरा हैंडमेड से किया हुआ वर्क है। ये आजकल का जनरेशन न्यू जनरेशन ये पहचान नहीं सकता है कि हम इस तरह ये मेटल के ऊपर खुदाई करके इस तरह चांदी भर के ये इसमें ये प्लेट में ऐसा काम होता है ये बिजली का। अगर कोई नया जनरेशन दिखेगा तो ये समझेगा प्रिंट है, बट ये हाथ से इतना खुदाई करने के बाद इतना चांदी भर तो इसमें एक वंडर लगेगा। इसमें आज के ज़माने में इस तरह काम होता है मुझे। सर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कितना अवार्ड्स मिले सर आपका जो ये करीबन सर हमारे मेरे को तो स्टेट अवार्ड मिला है और एक काय का योग्य प्रस्तुति मिला है। अपने दादाजी को स्टेट अवार्ड 1970 में उनको दादाजी को मिले तो है, अपने ग्रैंड फादर को 1965 में मिले तो है। इस तरह जनरल फोर फैमिली को जो अवार्ड्स मिले थे उसमें एग्जीबिशन थ्रू आउट इंडिया एग्जीबिशन सूरज कुंडो प्रगति मैदान ट्रेड फेयर इंटरनेशनल एग्जीबिशन वगैरह सब पार्टिसिपेट थ्रू आउट इंडिया में पार्टिसिपेट। कैसा लगता सर आपको ये काम करके? है अच्छा रिस्पॉन्स है, बट इसको जो और जो अपने इसको ले जाके जो भेजते हैं ना उनको वैल्यू ज़्यादा मिलता है। अपने को जो आर्टिसन हो के हम जो काम करते हैं उनको वो प्राइस नहीं मिलता। सर आपका ये जो बिजनेस है ऑनलाइन है क्या ना? ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन है। कहाँ कहाँ पर आपके प्रोडक्ट मिलेंगे सर? ऑनलाइन आप कहाँ भी ये बुक करेंगे तो आप अमेजन के अंदर मिलते हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर नहीं अमेजन साइट है क्या वर्ष? नहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है ना कावेरी एम्पोरियम ट्राइफेड एम्पोरियम ऐसे इस ऑर्गेनाइजेशन को हम देते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग सीसी एक सेंट्रल कॉटेज का है उसमें हम सप्लाई करते हैं वो ऑनलाइन से थ्रू मोबाइल में भेजते हैं। क्यों आपके प्रोडक्ट अमेजन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं? सर ऐसे नहीं वो उसमें क्या है अमेजोन पे एक आधा आइटम आता है जैसे हमको क्या है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। अपने बल्क का प्रोडक्ट चाहिए मतलब एक 100 में से एक आइटम अगर चॉइस करेंगे तो उसको पैकिंग वगैरह हर चीज़ करने के लिए हमको दिक्कत हो जाता है। अपने को बल्क ऑर्डर चाहिए तो हमको जैसा गवर्नमेंट इवेंट होते हैं बड़े बड़े इवेंट होते हैं जैसे आईटी कंपनीज में होते हैं जो रिटर्न गिफ्ट वगैरह देते हैं ऐसा हमें आगे ऑर्डर हमको मिला तो हमको ये कारीगर को काम रेगुलर काम चलने के लिए कंटिन्यूस अच्छा रहेगा। सर मेरा फाइनल क्वेश्चन है कितना कम हो सकते हैं सर? सर इसमें ऐसा है कि एक महीने में हुआ तो 50,000 का भी हो सकता है, लागत बहुत है, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है। एक महीने में हुआ तो 50,000 का भी सेल होता है, एक महीने में 10,000 का भी हो सकता है। सर सभी लागत निकल के एक महीने को एवरेज कितना कमा? 20-25% प्रॉफिट का ये होता है सर, 10,000 पर सभी निकल के सभी वो लेकर ये करने के बाद जो अपना चीज़ का ये करने के बाद अच्छा प्रॉफिट है ना वो 20-25% में उसमें घर वगैरह चलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।